ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। चलिए दोस्तों, आज आपको बताता हूं कि पेटीएम में आप आने वाली मूवीज़ का अपकमिंग अलर्ट कैसे सेट कर सकते हैं, यानी कि आप जिस मूवी के लिए अलर्ट सेट करेंगे, जब भी वो मूवी रिलीज़ होगी तो आपके पास पेटीएम के द्वारा एक अलर्ट दे दिया जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये मूवी मैंने देखने जानी थी और ये जो है अब मूवी रिलीज हो चुकी है। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी अपनी फेवरेट मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो मिस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक है, फटाफट देख लेते हैं, आपके कहीं ना कहीं जरूर काम आ जाएगी। इसलिए एक बार गुजारिश है कि वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस अलर्ट को एक्टिवेट। उसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेनी है अपनी पेटीएम ऐप। ऐप ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का होम पेज आपके सामने आएगा। ये देखिए, यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, लेफ्ट में एक बार और स्क्रॉल करना है, उसके बाद क्लिक कर देना है ऑल सर्विसेज पर। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको मूवीज़ एंड इवेंट्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए, यहाँ पर आपको अपकमिंग मूवी का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए कुछ इस तरीके से पेज आएगा। अब यहाँ पर जितनी भी मूवी आने वाली होंगी वो सभी मूवी आपको पास शो हो जाएंगी, जो जो मूवी आने वाली डेट में रिलीज़ होने वाली है, साथ ही साथ उनकी रिलीजिंग डेट भी आपको नीचे लिखी हुई दिख जाएगी। जिस भी मूवी के लिए आपने अलर्ट सेट करना है उसी मूवी के नीचे देखिए सेट अलर्ट का ऑप्शन दिया गया है, सभी मूवीज़ के नीचे। जैसे मैंने फास्ट एक्स के नीचे सेट अलर्ट सेट करना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद ये देखिए, सबसे पहले आपको सिटी यहाँ से चूज़ कर लेनी है, यानी जिस भी सिटी में आप ये चाहते हैं कि इस सिटी में ये मूवी रिलीज हो तो मेरे पास अलर्ट आ जाए। उसके बाद ये देखिए, दो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिख रहे होंगे। सबसे पहला ऑप्शन है एनी सिनेमा। एनी सिनेमा का मतलब है जो भी सिटी आपने चूज़ की है उस सिटी में जितने भी सिनेमाज हैं, जब ये फिल्म रिलीज़ होगी और उन सिनेमाज में बुकिंग ओपन होगी तब आपके पास अलर्ट आ जाएगा। और अगर आप सेलेक्ट थिएटर्स करेंगे तो उसके बाद जो भी थिएटर आप जो है चूज़ करेंगे, उन्हीं थिएटरों में जब ये मूवीज़ की जो है बुकिंग ओपन होगी और ये मूवी रिलीज़ होगी तब ही आपके पास अलर्ट आएगा। तो यहाँ से बेसिकली आपके पास दो ऑप्शन है। साथ ही साथ ये देखिए, इस ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये अलर्ट आपके व्हाट्सएप पर भी मिल जाएंगे, और अगर इसके ऑफ कर देंगे तो फिर आपको सिर्फ पेटीएम के द्वारा आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगी। तो यहाँ से ये सब सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक कर देना है कंटिन्यू पर। अब जैसे मैंने सेलेक्ट थिएटर किया था तो ये देखिए, यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में जितने भी थिएटर हैं सभी यहाँ पर शो हो गए। तो मैं जिस भी थिएटर के सामने यहाँ टिक करूँगा, जो जो थिएटर्स यहाँ से चूज़ करूँगा और उसके बाद कन्फर्म करूँगा, तो उन्हीं थिएटर में जब ये जो है मूवी रिलीज़ होगी, यानी इन थिएटर में उस मूवी के लिए टिकट बुकिंग ओपन होगी, तभी मेरे को नोटिफिकेशन आएगा, मैं यहाँ से कन्फर्म कर दूंगा। तो उसके बाद तो इस तरीके से जो मैं पर्टिकुलर थिएटर में भी बुकिंग ओपन हो रहे हैं पर अलर्ट ले सकता हूँ, या फिर एनी सिनेमा करूँगा तो उस सिटी के सभी सिनेमाज में जब बुकिंग ओपन होगी तब मेरे पास अलर्ट आएगा। तो इस तरीके से मैं इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। कन्फर्म करने के बाद ये देखिए नोटिफिकेशन सेट हो गई। आप चाहें तो इसे व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हैं इस बटन पर क्लिक करके। तो इस तरीके से जो है, साथ ही साथ ये देखिए, मैनेज अलर्ट्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितनी नोटिफिकेशन आपने सेट कर रखी होंगी, व्यू डिटेल पर क्लिक करते ही वो पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि आपने, देखिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, क्लिक करते ही यहाँ से एक बार लैंग्वेज चूज़ कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आपके पास पता चल जाएगा कि इस मूवी की एडवांस बुकिंग कब ओपन होगी, कौन कौन से थिएटर में, किस तारीख को, सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आप अलर्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट अलर्ट का भी आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आप इस अलर्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये देखिए, मैनेज अलर्ट का यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी अपने सभी अलर्ट्स को देख सकते हैं। ऐसे ये देखिए दोस्तों, ये आपको बहुत सी आने वाली फिल्मों की लिस्ट मिल जाएगी। तो आप किसी भी फिल्म के नीचे जो है सेट अलर्ट के बटन पर क्लिक करके उस मूवी के लिए अलर्ट सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी पेटीएम के द्वारा आने वाली किसी भी मूवी के लिए अलर्ट सेट करने की बात। लेकिन क्या आपको पता है कि पेटीएम में आपको एक ऐसा फीचर दिया गया है जिसे ऑन करके
आप अपने पेटीएम को बिल्कुल ही सिक्योर कर सकते हैं, यानी कि आपके पेटीएम में हैक या फिर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकती हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, बल्कि मैं आपको रिकमेंड ही करूँगा एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आप भी अपने पेटीएम को सिक्योर कर लें उस सेटिंग को ऑन करके। दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे चैनल पर कब नई वीडियो आई। और पेटीएम के ऊपर फिलहाल मैंने एक सीरीज लॉन्च की हुई है, जिसमें मैंने पेटीएम के अलग अलग फीचर्स को लेकर डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसलिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं चैनल पर नई वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए।